अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब आज है माशाल्लाह पांचवा रोजा और मेरा और अली भाई का चाइनीज का HSK2 का टेस्ट मैंने 2 साल पहले दिया था और मैं माशाल्लाह पास आउट भी हो गया था, लेकिन क्योंकि टेस्ट की वैलिडिटी होती है 2 साल और मेरा अगले महीने हो जाएगा कैंसिल, जिसको रिन्यू करवाने के लिए मुझे टेस्ट देना पड़ रहा है और अली भाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट। माज भाई से पूछते हैं हमारी तैयारी कैसी है और इनको क्या लगता है क्या बनेगा हमारा। जी माज भाई क्या लगता है आपको भाई? ओदी तैयारी पक्की है, तेरा कच्चा पक्का है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये देखें अभी से मनुष्य तो डाल दिया इसने। चलें कोई बात नहीं, हम जाके शराफत से करते हैं सहरी, उसके बाद फिर करेंगे आखिरी दफा रिवीजन और आपको मिलेंगे तैयार होने के बाद। तो जनाब सबसे पहले भरेंगे यहाँ पे पानी। अली भाई आपके टेस्ट की तैयारी कैसी है? और फिर से जनाब सेम मेन्यू। ये जनाब अली भाई हमेशा की तरह क्यों में लगते हुए अभी ये पर्ची लेके आएंगे जिसको दिखा के हम अभी खाना लेंगे यहाँ से। ये देखें जनाब ये पर्चियाँ जिनको टैग्स की फॉर्म में बनाया गया, ये अभी देंगे और मिलेगा हमें खाना। ये पकड़े अली भाई, ये खाना आप ले लें, दही मैं पकड़ लेता और दही मिलेगा यहाँ। ये दो दही मिले स्पून भाईजान यहाँ से खुद उठाने। एंड आज भी हमारा मेन्यू है बिल्कुल सेम, वही दही वही पराठे वही चने और वही अंडा। तो जना आप चुपचाप करते हैं सैरी। तो जनाब सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह डन, अभी पढ़ते हैं नमाज और फिर करते हैं आखिरी दफा टेस्ट की रिवीजन, उसके बाद मिलते हैं फिर आप लोगों को। जनाब हम हो चुके हैं तैयार टेस्ट देने के लिए, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 7:53 और हमने एंट्री करनी एग्जामिनेशन हॉल में 8:30 तक, क्योंकि 9 बजे है टेस्ट और हमने करनी आधा घंटा पहले एंट्री। तो निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए। तो जनाब पहुँच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, ये है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जो कि है एक चाइनीज़ इंस्टीट्यूट जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहा है, और यहीं पे होगा हमारा टेस्ट और यही है आज के लिए हमारा सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। तो जनाब माशाल्लाह पेपर शेपर हो चुका है और पेपर हो चुका है माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा, तो बाकियों से पूछते हैं उनका क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, आपका कैसा हुआ? मैं पेपर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अली भाई आप बताएं आपका कैसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हुआ पेपर। कितने नंबर आ जाएंगे? 200 190 तो आ जाएंगे पक्के, हो सकता है कि उससे भी ऊपर आ जाए। ये भाई जान ये हमारे साथ मुर्शिद भी खड़े हैं। मुर्शिद भाई आपका पेपर कैसा हुआ? जबरदस्त। बाकी? हाँ जी 60-70 नंबर इंशाल्लाह कन्फर्म। और जनाब ये देखें हमारे साथ माशाल्लाह शेरा भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हसन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक भाईजान। आपने भी पेपर दिया, आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर गंदा हुआ। ना करें मजा नहीं आया, सीरियस ना करें, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हुआ था। गंदा हुआ क्या मतलब? ना ना यार लड़े ना नहीं पूरा हुआ, गंदा हुआ क्या? नहीं लड़े ना यार, गंदा हुआ क्या? गंदा हुआ ये, गंदा हुआ ये शादी भाई वाले काम ना करें। आप शेरा रहे, आप शादी भाई वाले काम ना करें। मैं आपके आसरे में बैठा हुआ था, लेकिन क्या करूं, बंदे ही दो दरमियान में खड़े कर दिए, बंदे दो खड़े कर दिए। हमारे पास पाऊं वाला था वो जो मैंने आपको समझाया। इसीलिए कहते हैं कि जनाब बंदा इतना मशहूर भी ना हो, उनको पता है कि जनाब शेरा आया, उन्होंने सेलिब्रिटी के चक्कर में इनके सर पे बंदा खड़ा कर दिया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब हम आ चुके हैं हॉस्टल वापस और अब मैं लगा हूं सोने, क्योंकि भाईजान अब नहीं बैठा जा रहा, नहीं जागा जा रहा, क्योंकि सारी रात पढ़ते रहे सिर्फ टेस्ट के चक्कर में। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देखें बैठी हुई आवाम जो कह रही थी कि तैयारी नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं होगा एंड ब्ला 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 ब्ला। भाईजान गड के आए हैं, बड़ा गड के आया तू, बस कर। ए नहीं खुश हो सकती, ए आवाम नहीं खुश हो सकती, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह शाम को। तो जनाब
अफतारी होने में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट और अब चलते हैं लेने अफतारी। माज भाई आज क्या खाने का इरादा आपका? यार नीचे जाकर देखेंगे, अभी तो मेन्यू देखेंगे फिर पता लगेगा। फिर पता लगेगा, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं सोची? यार दिमाग ही घुमा पड़ा, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। भाईजान आज मैंने इनको काफी लेट करवा दिया क्योंकि मैं आके जब सोया हूँ ना तो मैं फिर सोया ही रहा हूँ, अभी अभी उठा हूँ, तो लिहाजा चलते हैं अभी मेन्यू देखते हैं। तो जनाब ये है आज का मेन्यू जहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रूट चाट, दही वाले पकोड़े, समोसे, रोल, समोसियाँ और साथ मिलेंगे शेक्स और चाय वगैरह। माज भाई क्या सीन है आपका, क्या लेने का इरादा? कुछ खास दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा, चलो फिर निकलो ना करो अफ्तारी। अली भाई आपका क्या सीन है, क्या लेने का इरादा? मेरा एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हो जाए, दो तीन समोसियाँ हो जाए, दो दही भंडे हो जाए। माशा मतलब काम सेट प्रोग्राम करना आपने। नजम भाई आपका? जो अली भाई लेंगे वो मैंने लेना। ओह माय गॉड, लेकिन अपने हिस्से का अलग अलग लेना। तो मेरा ऐसा करें भाईजान, मेरे आप ले लें एक समोसा ले लें, तीन ले लें आप रोल, और एक ले लें आप स्ट्रॉबेरी शेक। तो जनाब अफ्तारी ले ली है, शेक्स रहते हैं ना अभी, करवाओ यार करवाओ जल्दी करो, वो मिलेंगे हमें यहाँ से। तो जनाब शेक्स भी आ चुके हैं, अब वेट करते हैं अफ्तारी के टाइम का और फिर बैठ के करते हैं अफ्तारी। आज क्योंकि सैटरडे है तो आवाम भाई निकली है घरों को, इस वजह से आज रश भी कोई नहीं है। जनाब ये इनको बैठने के बाद याद आया कि दही भल्ले तो लाए ही नहीं, ये अब भाग रहे हैं एक मिनट पहले दही भल्ले लेने के लिए। ये लगी हुई है दही भल्ले की कार्ट, यहाँ से लेके आएंगे माल भी। तो जनाब अफ्तारी हो चुकी है डन और माशाल्लाह 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 5 रोजे आज गुजर चुके हैं और यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगे या ना लगे वीडियो को करें लाइक कमेंट शेयर, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।